हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बिरयानी। ये देखिए, हमने न्यूट्री पहले ही पानी में भिगो के रखी हुई थी। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। ये हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी है ये न्यूट्री। ये न्यूट्री का हमने पानी निकाल दिया हुआ और अच्छे से इसको धो लिया हुआ। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच या आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, और 1 ही चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। दो चम्मच के आसपास हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसको हाथ से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। ये हमने मिला ली और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया हुआ। अब ये इसमें हम तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हमने इसमें तेल डाला हुआ। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ते, 1 साबुत मिर्ची और ये जीरा डाल देंगे। एक प्याज हमने काट के रखा था, ये प्याज डालेंगे। प्याज अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच के आसपास हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। और ये एक हमने 1 से 2 हरी मिर्चियाँ काट के रखी थी वो डाल देंगे। और ये हमने प्याज भी, टमाटर काट के रखे थे 2 टमाटर छोटे छोटे, ये भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा और। दो मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। अब हम इसमें जो हमने न्यूट्री रखी हुई थी वो डालेंगे। इसमें 2-4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हम अमचूर डालेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम ये गरम मसाला डालेंगे। थोड़ा सा जो हमने बारीक धनिया काट के रखा था वो इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे 5 मिनट के लिए, फिर इसको ढक के रख देंगे।
पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा हम इसमें कलर डालेंगे, ऑरेंज कलर रूट कलर है। अब हम इसको सारा मिक्स कर देंगे। चावल हमने पहले ही पका के रखे हुए थे, अगर आपके पास पहले से पके हुए चावल है तो उन्हीं से बना सकते हैं आप। तो मैंने पहले ही कुकर में चावल पका लिए थे। अब हम ये चावल डाल देंगे ऊपर से। अब हम 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें मीट मसाला डालेंगे। अब हम ये सारा मिक्स कर देंगे। ये हमारी बिरयानी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो कच्चे चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने पक्के चावल से बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।